सुनील सिंह राजपूत ने लिखा है, रावण भी यही कहा था राम को मारने के लिए, लेकिन 100 पुत्र खोना पड़ा था चंद्रशेखर रावण, मत बनो नहीं तो आग देने के लिए कोई बचेगा नहीं। क्षत्रिय ठाकुर राहुल चौहान, उसने लिखा है, कुछ ज्यादा ही बोल गया चंद्रशेखर तू, ये मैटर खत्म हो जाए फिर तेरा भी हिसाब होगा, भड़वे जो खाना होगा खा लेना। मैं बता दूं कि चंद्रशेखर रावण नाम है उनका, और वो गोंडा से भी टकराएंगे, तुम्हारी गुंडई भी निकालेंगे, ब्रजभूषण सिंह और बिरजू। अभी महिला है वरना हम इसको घिसेट के लतियाते हैं। सोनू शुक्ला बोल बेटा, बलकारियों को हाथ लगाने की जरूरत नहीं है, घिस के लतियाने की जरूरत है। सुमित सिंह ने लिखा कि सबसे बड़ा अपराधी यही व्यक्ति है जो बाबा साहब के नाम पर राजनीति करता है, जिसे खुद ही संविधान पर विश्वास नहीं है। बेटा संविधान पर विश्वास है और संविधान का हम सम्मान करते हैं, इसीलिए तो हम शांत हैं, वरना ये 80 के दशक के दलित नहीं है। इनके पास तलवारें भी हैं, बंदूकें भी हैं और कलमे भी हैं, जैसे लड़ोगे वैसे मुकाबला करने के लिए तैयार बैठे। अगर इस सरकार में न्याय नहीं मिला तो सरकार बदली, तो कहीं ऐसा ना हो कि ब्रजभूषण का एनकाउंटर हो जाए। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हम सभी को पता है कि पहलवानों का धरना काफ़ी दिनों से जारी है। बीजेपी नेता ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ, जिसके ऊपर महिला पहलवानों के शोषण का आरोप लगा हुआ है, लेकिन वह व्यक्ति अभी भी पार्टी में बना हुआ है, पार्टी उसे सपोर्ट कर रही है, कोई गिरफ्तारी नहीं, कोई एक्शन नहीं। इसी को लेकर हरियाणा में खाप पंचायत के द्वारा एक महापंचायत हुई, जिसमें खिलाड़ी बजरंग पुनिया मौजूद थे, सत्यपाल मलिक मौजूद थे, कई राज्यसभा सांसद मौजूद थे, जयंत चौधरी मौजूद थे और चंद्रशेखर आज़ाद रावण भी मौजूद थे। मंच से चंद्रशेखर रावण ने कड़े शब्दों में सभी को एकजुट रहने की नसीहत। फिर कह रहा हूँ, इकट्ठे रहना, एकजुट रहना, बंद मुट्ठी लेना, जहाँ आवाज देगी, जहाँ किसान कमेरों की आवाज पे पसीना बहेगा, मैं आपसे वादा करता हूँ कि अपने खून के एक बूंद बहनों के सम्मान में हम लोग देने का काम करेंगे। और अगर आप पंचायत ऐलान करने की खींच के लाना है, मीडिया के लोग सुन लेना, तो इतना दम भी रखते हैं कि खींच के भी ले जाएंगे, इस बात को भी आज याद रखना। मान पे आग उठाने वाले याद रखे, सत्ता के दम पे ताकतवर हो, तुमसे सत्ता भी छीन लेंगे, तुम्हारा घमंड भी छीन लेंगे। यहाँ तो गोदी मीडिया ने चिल्लाने लगी और कहने लगी कि मंच से चंद्रशेखर का विवादित बयान, विवादित बयान, जहां पर सत्यपाल मलिक, जयंत चौधरी और तमाम खिलाड़ी भी मौजूद थे और चंद्रशेखर ने इस तरह के बयान दिए। भाई मुझे तो नहीं लगता कि कोई विवादित बयान है। चंद्रशेखर के इस बयान को लेकर ब्रजभूषण के जाति के लोग भड़क गए और चंद्रशेखर की औकात देखने लगे। तो अब ऐसे भड़ों की कुछ कमेंट देख लेते हैं। पहला कमेंट मुझे देखने को मिल रहा है राधे ठाकुर का, जिसमें लिखा हुआ है कि हाथ लगाकर तो दिखाओ, पता लग जाएगा, बस सस्ती लोकप्रियता लेनी है तुम्हें। खैर ये बात चंद्रशेखर जी को कह रहा है। एक ब्रजेश तिवारी ने कहा है कि रावण साहब गोंडा से टकरा नहीं, यानी गोंडा से टकराव नहीं, टूट जाओगे। तो भाई साहब मैं बता दूँ कि चंद्रशेखर रावण नाम है उनका, और वो गोंडा से भी टकराएंगे, तुम्हारी गुंडई भी निकालेंगे, बस थोड़ा सा वक्त लगेगा। जगेंद्र प्रताप सिंह ने लिखा है, रावण गोंडा से पहले कई जिला पड़ते हैं, ऐसा ना हो कि पेंट गीली हो जाए। तो बेटा बहुत जिले पड़ते हैं तो तुम्हारे लोग मौजूद नहीं हैं, चंद्रशेखर रावण के भी लोग मौजूद हैं, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी पेंट गीली हो जाए और हगने में तुम्हें डर लगने लगे। खैर सतीश दोगेयाल सतीश ने लिखा है कि बिल्कुल सही, चंद्रशेखर जी ने सही कहा है। खैर उनका उन्होंने समर्थन किया है। एक नरेंद्र सिंह है, लिखा है कि गोदी मीडिया ब्रजभूषण उर्फ बिरजू को बचाने के लिए पूरी ताकत से लगा है। भाई ये तो मैंने पहली बार नाम सुना है, मुझे बहुत हंसी भी आ रही है कि ब्रजभूषण सिंह उर्फ बिरजू। नाम है भैया रखे हो बढ़िया। एक सुनीता शेखावत ने लिखा है कि पहलवानों के झूठे आरोप और तथ्यों की जांच की जाए, बहुत बड़े षड्यंत्र की बू आ रही है राष्ट्र तोड़ने की। अब ये महिला है वरना हम इसको घिसेट के यहीं लतियाते हैं। सोनू शुक्ला ने लिखा है कि चंद्रशेखर बाबू गोंडा हिम्मत है तो हाथ लगाकर देख लो। मैं बता दूँ ये सोनू शुक्ला को कि बेटा बलात्कारियों को हाथ लगाने की जरूरत नहीं है, घिंच के लतियाने की जरूरत है। संजय सिंह ने लिखा है ब्रजभूषण शरण सिंह जिंदाबाद। भाई बलात्कारियों का समर्थन करना तुम लोग की पुरानी आदत है, कोई नई नहीं है जो हमें दिखा रहे हो, ठीक है। इसको पता होना चाहिए कि जाट जाटो सब भाई हैं, और अगर हम लोग इतना दिन से अलग रहे हैं तो कहीं ना कहीं जाति बनाने वाले कुत्तों की षड्यंत्र रही है। क्षत्रिय
ठाकुर राहुल चौहान, उसने लिखा है कुछ ज़्यादा ही बोल गया चंद्रशेखर तू, ये मैटर ख़त्म हो जाए फिर तेरा भी हिसाब होगा भड़वे, जो उखाड़ना होगा उखाड़ लेना, एक भी बाल तुमसे बाका नहीं होने वाला मैं जानता हूँ। फिर योगेश यादव ने लिखा आई सपोर्ट पहलवान, आई सपोर्ट चंद्रशेखर रावण। दीपक शर्मा लिखते हैं संविधान किसे कहते हैं, जो जाति पूछ कर नौकरी देता है, जाति पूछ कर पढ़ाई करता है उसे संविधान कहते हैं। जाति हमने बनाई है, तुम्हारे बाप दादाओं ने बनाई है, जाकर पूछ लेना ठीक है। सुनील सिंह राजपूत ने लिखा है रावण भी यही कहा था राम को मारने के लिए, लेकिन 100 पुत्र खोना पड़ा था चंद्रशेखर रावण, मत बनो नहीं तो आग देने के लिए कोई बचेगा नहीं। नेताजी ब्रिजभूषण श्री राम के पुत्र हैं, तुम सुधर कर लो भाई। ये तो मैं क्या बताया, मुझे बढ़िया सी आ रही है। सोचो इन्होंने एक इन सब लोगों ने सुनील सिंह राजपूत ने ब्रिजभूषण को राम बता रहा है भाई, सब कुछ ज़्यादा नहीं हो गया क्या भड़वा गिरी है। अबे चूतिए तूने तो राम को भी बदनाम कर दिया। लिखा है कि ब्रिजभूषण श्री राम के पुत्र हैं, अब श्री राम के पुत्र बलात्कारी हो सकते हैं क्या भैया? अगर हैं तो भाई श्री राम पर भी तरस आती है मुझे तो, ठीक है। क्या बात है भाई, तूने तो भगवान को बदनाम कर दिया बेटा, राम ब्रिजभूषण को राम का पुत्र बना दिया एक बलात्कारी को।